सुधीराज सर जी, सारा जी सर बोलिए सर। का सारा बोझ समाज महापुरुष के ऊपर डाल के और नमन करके निकल जाता है और महापुरुष के गुणगान शुरू कर देता है, महापुरुष की फोटो लगाता है, महापुरुष की व्यक्ति के चरित्र और व्यक्ति की घटनाओं के बारे में जिक्र करता है, थोड़ा सा इमोशनल होता है, थोड़ा सा इमोशनल करता है और महापुरुष का काम खत्म कर देता है। हमारे जितने भी मेहनत करने वाले लोग हुए हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनके मरने के बाद उनका जिक्र करना, उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनके मरने के बाद उनकी मूर्ति लगाना, उनकी जय जयकार करना। एक सिंगल व्यक्ति ने, एक सिंगल महिला ने कभी नहीं कहा कि जब हम मर जाएं तो तुम हमारे बारे में ऐसा कहना कि हमने वहां खाना खाया, हमने वहां पानी पिया, वहां हमें मिला नहीं, हमारे कपड़े फटे थे, एक जूड़े जूते थे। वो हमेशा ये कह के गए हैं कि जो कारवा हम आगे तक लेके आए हैं वो कारवा आगे बढ़ाना है। हर एक व्यक्ति ने ये कहा है और हर एक व्यक्ति ने ये कहा है कि मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, अगर लोग नहीं चाहते तो ये चमत्कार नहीं होता। कोई भी महापुरुष हो, जब तक लोग नहीं चाहेंगे वो चमत्कार नहीं हो सकता, वो महापुरुष नहीं बन सकता, वो काम ही नहीं हो सकता। साहब कांशीराम जी से पहले हमारे बुलंदशहर में, खास तौर से बुलंदशहर के आसपास के जिलों में, जो खानचंद गौतम, जिनको संप्रिय गौतम बोलते हैं, उन लोगों ने, और टीम थी उसमें, कुछ टीम बड़ी जबरदस्त थी, उसमें मेरे परिवार के लोग भी थे, देखिए तो वो सब लोग इतनी मेहनत करते थे और वो एरिया साहब काशीराम से पहले तैयार था। साहब काशीराम जी को उत्तर प्रदेश में जमीन तैयार मिली, इसलिए वहां पर जल्दी काम हुआ और लोगों ने अपने फंड निकाल निकाल के, अपने घरों के बच्चों के खाने निकाल निकाल के साहब काशीराम जी को दिए, काशीराम जी को तोला। हमने देखा अपनी आंखों से, हमारे परिवार के लोगों को, और जो मूवमेंट लिए, जो आदमी कर सकता था भूखा नंगा उसने किया। वो मूवमेंट जितनी भी हमारी बनती है, वो अगर व्यक्ति के नाम लिख जाती हैं और फिर व्यक्ति को बाद में पूजना शुरू कर दें, उसका गुणगान शुरू कर दें, तो नेक्स्ट मूवमेंट, अगली मूवमेंट के लिए भारी मुसीबत हो जाती है। और ऐसा देखा गया है कि अगर एक व्यक्ति को आगे हम बढ़ा दें और उस व्यक्ति से थोड़ी बहुत अचीवमेंट ले लें, तो अगले नेक्स्ट टाइम में 40-50 साल लग जाते हैं हमें दोबारा अचीवमेंट लेने के लिए, क्योंकि तो पहले हम गिरेंगे, डाउन होंगे, फिर कोई व्यक्ति आवाज देगा, फिर हमें लगेगा कि उस व्यक्ति की आवाज में दम है तो चलो उसके साथ लगते हैं। तो ये कंटिन्यूअस लगातार मूवमेंट नहीं मिलता व्यक्ति से, और महापुरुष भी कोई इससे खुश नहीं होता कि एक व्यक्ति को आगे रख के काम किया जाए। वो चाहते हैं समाज आगे चले और हर महापुरुष की इच्छा होती है कि उसके जाने के बाद उसका काम निरंतर चलता रहे। और कई बार लोग नहीं करने देते, व्यक्ति का जय जयकार कर देते हैं, व्यक्ति के रहते रहते लोग मूर्तियां लगा लेते हैं, व्यक्ति खुद अपनी मूर्तियां लगा ले देता है। ये सब हमारे जो संघ वाला कॉन्सेप्ट है, संघ वाला जो मूवमेंट है, उसके लिए रुकावट है और ये हमारे मौत का सामान है। दरअसल हमें जब नमन करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध को कैसे पूजना चाहिए, तो उन लोगों ने हमसे कहा कि बुद्ध को पूजने के लिए कुछ मोमबत्ती जला दो, कुछ धुआं सा कर दो और नीचे झुक जाओ, नमन करो, दंडवत प्रणाम करो, 3 बार प्रणाम करो, बुद्ध का पूजा हो गया। मगर पूजा का जो मतलब है पाली में, वो है पा जानती, मतलब पा माने होता है पीला, यानी पीले कपड़े वालों के जो वचन है उनको जानना, ये है पा जानती यानी पूजा, यानी पूजती, पूजे मी, या पावन वचन पूजे मी, तो उसको पूजा बोल दिया शॉर्ट में, यानी कि पीले कपड़े वालों के जो वचन है उनको जानना, ये है पूजा का मतलब। तो बुद्ध की असली पूजा कैसे होती है? बुद्ध को जानना और उसको अपनाना। तो बुद्ध मरते समय कहते हैं कि भाई मुझको देखना हो, मुझसे मिलना हो, वो जानते हैं
कि लोग उनकी मूर्तियां बना सकते हैं, उनको देखने के लिए ललायत होंगे कि कैसे बुद्ध थे कैसे नहीं है, हो सकता है। तो मरते से पहले कहते हैं कि अगर बुद्ध को जानना है तो धम्म को देखना, धम्म को देखोगे तो मैं दिखाई दूंगा। मतलब साफ कह दिया, दूरदर्शी आदमी है, कहता है कि मेरे मरने के बाद तो मूर्तियां सूर्तियां बना लोगे, इसलिए अगर मुझे देखना हो तो धम्म को देखना। कह के गए, फिर भी मूर्तियां बना दी, फिर भी धूप बत्ती जला दी, फिर भी वहां झुक झुक के कर रहे हैं काम को। सारा बुद्ध का जितना भी वचन था वो सब मिट्टी में मिला दिया और लगे पूजा पाठ में। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर का जय भीम और जय अम्बेडकर और नारे और दुनिया भर का 14 अप्रैल और ये सब, और इतने सारे कार्यकर्ता, इतने सारे लोग हैं कि अगर मतलब अगर थूक भी दें तो समुद्र भर जाए और उसी में बेड़ा पार हो जाए, मगर इकट्ठे नहीं होते। वो महापुरुष की बात नहीं मानते। महापुरुष ने कहा इकट्ठे होना, इकट्ठे होना ना ना, महापुरुष तेरी बात साइड में गई भाई, तू महापुरुष है, बस महापुरुष बना रहे। देख हम तेरी मूर्तियां लगा रहे ना लगा रहे, हमने हर मोहल्ले में तेरी मूर्ति लगा नहीं लगाई, हमने हर मोहल्ले में संगठन बनाया नहीं बनाया, बाकी हम तेरी बात कुछ नहीं मानेंगे, तू साइड में बैठ जा भाई महापुरुष, हम तेरी जय जयकार करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, अपना नाम कमाएंगे, तेरी फोटो के साथ में अपना अपना फोटो बड़ा लगाएंगे, तेरे नाम के साथ में अपना बड़ा नाम लगेगा, कार्यक्रम तेरा होगा मगर नाम हमारा होगा, क्योंकि हमको अपना नाम चमकाना है, आगे हमें कुछ पोजिशन लेनी है। तो वो महापुरुष के सारी बातें बेकार करके और सब कुछ कर दिया, बड़े बड़े पोस्ट लगा दिए लोगों ने, मगर सब बेकार, क्योंकि काम ही नहीं होता। जो कारवा जो कह के गया महापुरुष के, भाई मेरे कारवा को पता है, महापुरुष को, कि ये लोग ऐसे हैं कि हो सकता है फोटो छपवाने में लग जाए, नाम चमकाने में लग जाए, मेरा कारवा आगे ना बढ़ाए, उसे अपने कारवा की चिंता है, वो जानता है लोगों, तो कहता है भैया कारवा ना बढ़े तुमसे तो वही छोड़ जाना। देखो कितना दूरदर्शी व्यक्ति होता है आदमी महापुरुष। तो साहब काशीराम कितने दूरदर्शी व्यक्ति हैं, साफ साफ कहते हैं कि भैया ये जो मूवमेंट है आगे चलानी है, तो कैसे चलानी है मूवमेंट, ये देखो ये किताब है जो मैंने लिखी थी, साहब काशीराम जाने वाले थे उस समय, ये किताब कहती है मान्यवर की असली इच्छा और 6 करोड़ 4 करोड़ की होगी दीक्षा। बिल्कुल सही कहा सर आप। अब ये जो 4 करोड़ की दीक्षा है, ये किताब लिखी थी मैंने 23 जुलाई को, जब साहब काशीराम जी जिंदा थे, और साहब काशीराम जी जिंदा क्या मरे से समझो, क्योंकि पहले आदमी थे वो बोल नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते थे। तो ये किताब हमने लिखी क्योंकि तो हम दम दीक्षा का कार्यक्रम उस समय कर रहे थे, बाबा साहब का गोल्डन जुबली दीक्षा रहा था, और किसी आदमी ने कोई जितनी संस्थाएं सामने हाथ खड़े कर दिए, तो 23 जुलाई 2006 को शाह ऑडिटोरियम में, और 29 अक्टूबर को हमारा कार्यक्रम था, और 8 अक्टूबर को खबर आई कि साहब काशीराम जी चले गए। तो 8 अक्टूबर को डिक्लेयर नहीं किया रात को, और उनकी जो डेड बॉडी है उसको आनन फानन में बहुत तेजी से, मतलब लोग दौड़ रहे हैं, मतलब पीछे उनके दौड़ रहे हैं, डेड बॉडी को भी ऐसे इस तरह से वहां पहुंचा दिया निगम बोध घाट पे इतनी जल्दी में कि लोग देख ही ना पाए, दर्शन ना कर पाए। मेरे पास कैमरा होता था कुछ, मैंने कैमरा कुछ फोटो वहां उतारी थी, वहां लोग जुट नहीं पाए, ज्यादा कम आए, पर राजनाथ भी आया था। तो ये सब वहां जल्दबाजी में हुआ, फिर किसी ने बताया कि उनके साहब के जो फोटो थे वो बोरे भर के फोटो किसी ने चलवा दिए, जलवा दी जलवा दी, अब हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो महापुरुषों का जो काम है, अगर नमन करना है आपको, अगर आप चाहते हो कि साहब काशीराम जी को नमन करना चाहते हो सच में, तो भाई उनका काम पूरा, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि देखो मैंने बहुजन पार्टी तो बना ली मगर मैं बहुजन समाज नहीं बना पाया। इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि आदमी अपनी असफलता, महापुरुष अपनी असफलता बता रहा है कि मैं बहुजन समाज नहीं बना पाया। इसका मतलब यह है कि एक जाति का समाज बना है, बहुजनों का सब लोगों का समाज नहीं बना, प्रयास बहुत किया, कितने सिंपल शब्दों में अपनी असफलता। तो उस असफलता को दूर करो भाई, समण समाज बनाओ, क्योंकि अल्टीमेटली समण समाज बनना है, सारे काम ऐसे होने हैं। तो महापुरुष को रोज नमन करो आप, रोज नमन करने का मतलब है कि उनका रोज काम करो। आप याद मत करो एक बार भी, महापुरुष को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ेगा, महापुरुष को फर्क नहीं पड़ेगा। महापुरुष का काम कर दोगे तो महापुरुष को नमन हो जाएगा। वो जब 8 तारीख को एक्सपायर हुए, 9 तारीख को, तो मैं निगम बोध घाट में हम गए आधा घंटे के लिए, वहां गए, उसके बाद हम वापस आ गए, क्योंकि 29 तारीख का हमें धम्म दीक्षा का कार्यक्रम करा था दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली का, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम अब तक का जो करना था, जिसमें 20-22 लाख रुपए इकट्ठे करके लगे हुए थे। वो कार्यक्रम हुआ, बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ, बहुत शानदार हुआ, और जो हमसे नमन हो सका हमने तो वो नमन कर दिया। हालांकि हमने साहब काशीराम का नाम ले लिया मगर काम हमने वो कर दिया, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा थी। आज भी हम काम कर रहे हैं, धम का काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हो, तो इस काम की थोड़ी स्पीड बढ़ा दो, क्योंकि अभी समय कम है। अगर साहब काशीराम होते तो आपको फटकार के कहते कि भाई ये स्थिति ऐसी खराब हो गई है, अब आपको ज्यादा काम करना है,
तो चले गए हैं तो नमन अच्छा करो, तो अच्छा नमन करो, उनकी बढ़ाई और तारीफ में टाइम कम लगाओ और लोगों को जोड़ने में ज्यादा लगाओ। 107 लोग हैं, एक एक आदमी भी प्रण कर लेगा तो 214 हो जाएंगे कल को। यहाँ एक तो आज कुछ लोगों की शिकायत आई है कि लिंक लगा नहीं है, मगर शिकायत को भी छोड़े क्योंकि 107 तो यहाँ इकट्ठे हैं, 106 तो इकट्ठे हैं, तो काम नहीं बन रहा है। और पूरे भारत में कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है जो उन जैसा काम करे, तो व्यक्ति को गोली मारो। तो संघ बनाया है तो संघ में काम करो, यहाँ सारे संघ काम करेंगे, वो भी काम बहुत बढ़िया होता है, उसमें व्यक्तिवाद खत्म हो जाता है, व्यक्ति की चिंता ही खत्म हो जाती है। इससे अच्छा कंसेप्ट कहीं लगता हो तो वो बताओ, इससे अच्छा कहीं काम चल रहा हो तो वो बता दो, तो हम तो वहीं चले चलेंगे क्योंकि हमारा काम हल्का हो जाएगा। मगर भाई समय बड़ा कम है, तो वो जो कहावत है जो बताई है महापुरुषों ने कि खुद को कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को आप जगाओ, तो भैया सब आपको जगाने पड़ेंगे, सब हमको जगाने पड़ेंगे, और कोई जगाने वाला आने वाला है नहीं। इसलिए जुड़ना है और जोड़ना है और महापुरुषों को नमन करना है, यही फार्मूला है हमारा, और कोई फार्मूला नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया बताया। रमेश कटके साहब हाँ सर, अवेलेबल हैं आप? हाँ, जी सर, आए और जो विदा पीपल का कॉन्सेप्ट है वो उसको आप डिस्कस करें, बताएं हमारे साथियों को। थैंक यू। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, और आज मैं कहूंगा जय कांशीराम। क्या आज के संदर्भ में, आज का जो दिन है, कांशीराम जी के बारे में हमें बात करनी है, तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो मिशन शुरू किया था, उस मिशन को नॉर्थ इंडिया में ले जाना, सफल कराना, और बाबा साहब की जो सोशल थियरीज है, सोशल और पॉलिटिकल थियरीज है, उसको इम्प्लीमेंट करने का अगर काम किसी ने किया होगा तो माननीय कांशीराम जी ने किया है। हम बहुत चाहते थे कि कांशीराम जी को लंबी जिंदगी मिल जाती, लेकिन वो हमारे बीच में से जल्दी चले गए, वरना वो बुद्ध धम्म की दीक्षा लेकर भी हमें नॉर्थ इंडिया में एक नया मिशन, जो कल्चरल मिशन जोड़ देते, तो एक बहुत बड़ी बात होती। लेकिन कोई बात नहीं है, जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि मैन इज मोर्टल, आदमी मरण धर्मी है, सो आर आइडियाज, विचार भी ऐसे होते हैं कि जैसा इंसान को मरना होता है, लेकिन विचारों को प्रचारित और प्रसारित करना, जैसा कि पौधे को, पौधे के साथ हम करते हैं, पौधे को अगर हम खाद नहीं देते, पानी नहीं देते, तो मर जाता है, ऐसा ही विचारों का होता है, ऐसा बाबा साहब ने 1927 में महाड़ सत्याग्रह के वक्त कहा था। वही विचार माननीय कांशीराम जी ने अपने जीवन में लागू कर लिया। एक किताब पढ़ ली पहले, जैसे पूना में वो साइंटिस्ट थे और उनके सामने वो दीना भाना जी का आंदोलन था, फिर खापड़े साहब जुड़े उनको, और एक किताब पढ़ते हैं, एक रात में 2 बार किताब पढ़ते हैं, एनिलेशन ऑफ कास्ट की, और इस किताब से उनको नींद नहीं आती और वो अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, और अपना सब कुछ छोड़कर वो एक मिशन का काम करने के लिए निकल पड़ते हैं, और धीरे धीरे एक कारवा बन जाता है और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, और वो एक प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते करते वो चले जाते हैं नॉर्थ इंडिया में। पहला प्रयोग उन्होंने महाराष्ट्र में भी किया था, महाराष्ट्र में कुछ बात नहीं बनी तो नॉर्थ इंडिया में चले जाते हैं, और आज का जो चित्र हम देखते हैं कि एक इंसान की, बाबा साहब की एक सोच को पकड़ने से क्या चीज हो जाती है, उन्होंने यही कहा कि बाबा साहब की विचारधारा को अपनाया और आगे का आंदोलन शुरू किया। और उनकी, जैसे किसी वक्ता ने अभी भी कहा है कि बहुत सिंपल काम था उनका, साइकिल उठाना, साइकिल के साथ लोगों को जोड़ना, और साइकिल से सारे भारत का भ्रमण करना, अपने साथ जो सूखी रोटी हो या कोई घर का कोई अनाज हो वो ले जाना, और वही लोगों के बीच में बांट कर खाना। तथागत बुद्ध का, धम्म का जो कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट उन्होंने शुरू में अपनाया, और इस वजह से लोग उनके साथ जुड़ते जुड़ते गए। ठीक यही कंसेप्ट है कि उसके बाद के लोगों ने कांशीराम जी को नहीं समझा और हमने दिशा बदल दी, हमने कांशीराम जी के जो मूलभूत काम होते थे वो काम को नहीं पकड़ा, इसीलिए हम अभी ऐसा महसूस होता है कि हम, बाबा साहब ने जो जो बात कही थी, बाबा साहब ने काफी 3-4 बार कहा, जोर देकर कहा था कि शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्ष कीजिए, यही बात कांशीराम जी ने अपने पूरे जीवन में लागू की थी, इसीलिए वो, उनको उतना सक्सेस मिल पाया।
ठीक यही बात करनी है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि क्या हम अंबेडकरवादी है कि नहीं, क्या हम बुद्ध के सही फॉलोअर है कि नहीं। अगर बाबा साहब ने जोर देकर कहा है कि शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्ष कीजिए, हम शिक्षित तो बने हुए बन भी रहे हैं और बार बार हम कोशिश भी करते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत इंटेलेक्चुअल बन जाए, लेकिन दूसरा जो संदेश है वो हमारे जीवन में हम उतार नहीं पा रहे। इस वजह से ऐसा हो रहा है कि कोई हमारे ऊपर अन्याय नहीं कर सकता जब तक हम संगठित नहीं होते। अगर हम आज भी सोच लेते हैं कि आज से अगर मैं संगठित हो जाता हूं, मेरे जितने भी गिले शिकवे हैं, मेरे जितने भी अधिकार है, मेरा जितना भी सम्मान है, मेरा पद है, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा अहंकार है, ये सारा कुछ अगर मैं छोड़ देता हूं आज और समाज के साथ जुड़ जाता हूं, सब कुछ मेरा त्याग कर समाज के साथ जुड़ जाता हूं और समाज के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग रखता हूं, तो मुझे जुड़ने में कोई कठिनाई नहीं है और जैसा जैसा हम जुड़ेंगे वैसा वैसा हमारी ताकत अपने आप बढ़ती है। क्योंकि कांशीराम जी पहले घूमते थे, कुछ चंद लोगों के साथ उन्होंने कारवा शुरू किया और देखते देखते भीड़ सी आ गई उनके बीच और एक आंदोलन खड़ा हुआ। शुरू में तो ऐसा कोई तय नहीं था कि हमें क्या करना है, बस लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया और उन्होंने फिर एक के बाद एक संगठन बनाए और उन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया और आज का जो जितना हमारा अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस की जो वजह है बाबा साहब के विचारों को नॉर्थ इंडिया में ले जाने का काम उन्होंने किया और इतना बड़ा काम उनके हाथ से हो गया। बस वही काम हमको करना है। हमें कुछ पैसा तो देना नहीं है क्योंकि विद पीपल का कंसेप्ट यही बताया जाता है हर दिन कि हमें ना पैसा देना है, ना हमें किसी के साथ दुश्मनी लेनी है, हमें सिर्फ जुड़ना है। खाली हम अगर जुड़ते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो अपने आप में कुछ विचारों का संघर्ष बनेगा, हम एक दूसरे के विचार आदान करते रहेंगे, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में अलग अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है। बाबा साहब को समझने का मेरा ढंग अलग है तो प्रकाश सिंह सर का अलग है, तो सुधीर राज सिंह से अलग समझते हैं, तो परियार साहब अलग समझते हैं, तो कांचनताई वीर अलग समझती है। हम लोग जैसा कि बुद्ध ने कहा कि एक हाथी है और उस हाथी को अंधे लोगों को बोल दिया गया कि हाथी की पहचान करा दो, तो अंधा जो है किसी पैर को पकड़ लेता है तो कहता है कि खाम जैसा है, कोई सूंड को पकड़ लेता है तो कहता है कि ये तो रस्सी जैसा है, सॉरी अगर पूंछ को पकड़ लेता है तो वो कहता है कि रस्सी जैसा है, वो पीठ को पकड़ लेता है हाथ लगा तो कहता है दीवार जैसा है, लेकिन वहां पर एक जो आंख वाला आदमी है वो आ जाता है और वो कहता है कि आप तो बात सही कह रहे हो लेकिन आप अधूरी बात रख रहे हो, जो आप सारे लोग जो सोच रहे हो इसका जो मिलाप है वही सच है। हम ठीक ढंग से यही ऐसा ही करते हैं। बाबा साहब को मैं मेरी समझ से समझता हूँ और मैं कहता हूँ कि जितना मुझे बाबा साहब समझ रहे वही असली बाबा साहब है, वही कांशीराम जी की विचारधारा है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। हम जब सारे लोग इकट्ठा बनेंगे, हमारी सोच को इकट्ठा करते जाएंगे, हर दिन हम विचारों का परामर्श करते जाएंगे, एक दूसरे के साथ हम विचारों को जोड़ते जाएंगे, तो संगठन बनेगा, संघ बनेगा। क्योंकि संगठन में और संघ में इतना फर्क है कि संघ में कुछ लेना नहीं होता है, संघ में सिर्फ दिया जाता है। और बुद्ध का एक कथन है कि एज यू गिव यू रिसीव, जितना आप दोगे उतना आपको रिटर्न भी मिलने वाला है। हम समाज के साथ जुड़ेंगे, समाज को सिर्फ देते जाएंगे तो उसमें से मुझे जरूर मिलने वाला है। क्योंकि अगर हम आज 100-200 लोग हैं, आज की सभा में 92 लोग हैं हम लोग, अगर हम 92 लोग आज से ये सोचते हैं कि आने वाले एक मंथ में मैं अकेला 92 में से जो मैं हूँ, मैं अगर 10 लोगों को तय दिल से जोड़कर काम करता हूँ तो ये 92 का सीधा 900 लोगों तक जाता है, 920 लोग हम जोड़ सकते हैं अगर हम आज तय कर लेते हैं कि मैं बस इतना ही काम करूंगा, जो कि मुझे कंसेप्ट समझ में आया है कि विद पीपल क्या है, तो मैं बस एक ही काम करूंगा आने वाले एक महीने में और दो महीने के कालावधि में, मैं सिर्फ इतना ही काम करूंगा, मेरे से जिस लोगों का विचार जुड़ता है, मैं बाबा साहब को मानता हूं, मेरे ही तरह अगर कोई बाबा साहब को मानने वाला है तो मैं बस उसको इतना ही कहता हूं कि आप विद पीपल में आई है, यहां पर बाबा साहब के विचारों की सोच के ऊपर ही काम हो रहा है, बुद्ध का धम्म आचरित किया जा रहा है, बुद्ध के धम्म के आचरण के बारे में ही यहाँ पर चर्चा हो रही है और हर तरह का जीवन का जो भी क्षेत्र है
उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। ये बात मैं इतना ही संदेश में मेरे दोस्त को देना चाहता हूँ, अगर मैं यही बात गंभीरता से लेता हूँ और आज से एक महीने के लिए बस इतना ही काम करता हूँ कि 10 लोगों तक मुझे विचार को पहुंचाना है, तो एक महीने के अंदर हम लोग कम से कम 10 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वही बात अगर हम एक साल तक लागू करते हैं तो लाखों लोग जोड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं जैसे समझता हूँ संघ को, मैं समझता हूँ बाबा साहब की विचारधारा को, मैं समझता हूँ धम्म की विचारधारा को, बस मैं वही बात किसी और के ऊपर थोपना चाहता हूँ। हमें ऐसा नहीं करते हुए मैं जो मेरा जितना विचार कर रहा हूँ, ये जैसा एक नदी का पानी समुन्द्र में मिल जाता है, लेकिन समुन्द्र में मिलने के बाद वो मिल जाता है, पहचान नहीं होती कि किस नदी का पानी कहाँ पर है, ऐसे ही संघ का है। मेरी खुद की जो सोच है, जो कि बाबा साहब के सोच के ऊपर ही निर्भर करती है, मैं इस विद पीपल के समंदर में आकर उसको मिला देता हूं तो ये समंदर खड़ा हो जाता है और एक कारता बनता जाता है, कारवा बनता है। यही बात हमको हमारे दोस्तों के बीच, हमारे साथियों के बीच, हमारे जो जहां पर मैं काम करता हूं उस ऑफिस के लोगों के बीच, जिस समाज में मैं रहता हूं उनके बीच, और जो मुझसे विचारों का सोच, मेरी विचारों की सोच जिसके साथ बनती है, जुड़ती है, उसके साथ अगर मैं जुड़ जाता हूँ तो हमारी बात बन जाती है। बुद्ध ने धम्म पद में कहा है कि न परेश विलोमानी न परेश कथा कथंग अपनो अवेक्ष्य कथानी अकथानी च। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता इसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दूंगा, मैंने इस संघ के साथ जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जब मैं इसी बात पर सोचूंगा तो मैं सारे मेरे खुद के ईगो छोड़ दूंगा, मैं मेरा अहंकार को छोड़ते हुए मेरा पद को छोड़ दूंगा, मेरी प्रतिष्ठा को छोड़ दूंगा, तो मैं इस संघ के साथ जुड़ता जाऊंगा और विद द पीपल का कारवां बढ़ता ही जाएगा। श्रद्धांजलि माननीय कांशीराम जी को है आज के दिन। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप सभी को, इतनी ही मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बस इतना ही सोचिए कि ये बाबा साहब का आंदोलन आज इस कगार पर खड़ा हुआ है। हम लोग बहुत ही मुश्किल में फंसे हुए, क्योंकि संविधान मुश्किल में नहीं है, संविधान तो एक कागज है, संविधान तो एक विचारधारा है, वो संविधान खतरे में नहीं है, संविधान इंप्लीमेंट नहीं होने की वजह से हम लोग मुश्किल में है। लखीमपुर की घटना अगर हम देखते हैं तो हमारे आर्टिकल 12 से 35 के जितने भी फंडामेंटल राइट्स है पूरे वायलेट हो चुके, एक भी हमारा फंडामेंटल राइट हमें नहीं मिल रहा है। ये इस घड़ी में अगर मैं जागरूक नहीं होता हूँ, इस घड़ी में अगर मैं विद द पीपल से नहीं जुड़ता हूँ, तो मेरे जैसा मूर्ख इंसान कोई नहीं होगा। बस इतना ही मैं अगर सोच लेता हूँ तो विद द पीपल का कारवां जुड़ जाने वाला है, और ये प्रेशर समाज के लोक प्रतिनिधि के ऊपर आएगा। जितना जितना समाज के साथ हम जुड़ेंगे, संघ में जुड़ेंगे, उतना पॉलिटिकल प्रेशर आएगा। और जैसा बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा है कि एवरी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन प्रीसीड्स कल्चर एंड सोशल रेवोल्यूशन, हर राजकीय क्रांति को करने से पहले सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का होना बहुत अनिवार्य है। यही बात माननीय कांशीराम जी ने कही है और यही बात हमें करनी है। हमें कुछ दोहराना नहीं है, हमें सिर्फ जो हमारे पुरखों ने किया है, ज्योतिबा फुले ने कहा है, सावित्री बाई ने किया है, कबीर जी ने कहा है, बुद्ध के जितने भी भिक्खु लोग हैं उन्होंने किया है और बाबा साहब ने किया है, वही हमें बात दोहरानी है। बस दोहराते वक्त मेरा ईगो, मेरी पर्सनल बात, मेरा पर्सनल अहंकार इसको नहीं लाना है। अगर ऐसा करेंगे तो विद द पीपल का कारवां बढ़ेगा और आने वाले समय में हम जागरूक होकर इस संघ को बड़ा ताकतवर संघ बनाएंगे। यही मैं कहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।